अच्छी लगी ना? हाँ, वापस जाते हैं अपने गांव में। अच्छा हाँ, आप वापस जाओ। अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी। तो आप देश से आप लोग मुल्क छोड़ के जो भैर चल के आए, कैसे लगी आपको मूवी? कैसी लगी मूवी? तो बढ़िया, बहुत अच्छा पिक्चर सच में। इतनी है ना केरला फिल्म तो कुछ भी नहीं है इसके। सुप्रभात, नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर दो ठीक वाला, मस्त वाला हूँ और मैं भी मस्त जाऊँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत होनी चाहिए सवेरी 9 बजे बैठी, और आज मौसम देख सक रहा आपकी बहुत ही सुहाना होनी चाहिए, एकदम से ठंडो ठंडो बूंदाबांदी होनी चाहिए, और धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम से बादल लगे थे। तो देखो आज जाना चाहिए हम बथुआ मूवी देखने, और जो आज ही रिलीज होनी चाहिए, जे ओपनिंग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी करना चाहिए, और तो हमारे स्टाफ भी पूरा जाना चाहूँ मैं, तो मैं भी जाना चाहूँ। तो आज आप दिखा लो बथुआ मूवी। ये मूवी माध्यम से आप सभी तक हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी कल्चर जो भी थे वो सब दिखाई जो लो, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो भाषा, हमारी संस्कृति है ये मूवी जो तो देश विदेश में भी होने चाहिए, ताकि हमारी भाषा, हमारी जो संस्कृति है ये बची रह लो, और आने वाली पीढ़ी ये सब सीख सक लो। उम्मीद कर दो आप तक बथुआ मूवी पसंद आनी, तो आज आप तक देखो लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पर थोड़ा बहुत तो पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बना लेंगे ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं आई स्वीटी मॉल में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गन्ना भाई के गढ़ वाली मूवी देखने गए हम अभी, और फिलहाल हमारे साथ है गन्ना भाई। जब सब आएंगे तब आ रहा है। अरे यूट्यूबर है वो, ये जो नंदन कदर रहा है इधर पीछे वो भी आएगा, उधर वो भी आएगा। पिक्चर जिगनो जाए बड़ी जोश पिक्चर सुबेरो घाम बथों टू धन्यवाद। विक्रम रावत 915। बद्री विशाल की जय, बोलो जय उत्तराखंड की जय। बोलो बद्री केदार की जय। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी गढ़वाली मूवी देखने पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे से राम टाइम पहुंच। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी गढ़वाली मूवी जो बथुआ मूवी है उसको देखने में बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है, तो आप लोग देख रहे हैं सारे गढ़वाली लोग हैं हमारे। बोलो कुछ मूवी के बारे में, अभी देखूंगी तो बताऊंगी। ठीक है, देखी नहीं है, देखने के बाद आऊंगी। ठीक है ठीक है। तेरा तो आज वो चल जाएगा बढ़िया, तेरा वो चल जाएगा पीछे, सबसे पीछे वाली सीट में। तो देखा सब बॉडी काकी दादी सब आए हैं मूवी देखा। हमारी यहाँ चाची बोले चाची भाभी दीदी सब आया जा, दीदी बूढ़ी सब आया जो गढ़वाली मूवी देखा। बौजी भैजी बौजी सब आया जा, बौजी तो बड़ी बन गई चाची ताई दादी। तो दोस्तों देख सकते आपके काफी दिन से क्या आई बहुत भीड़ हुई है।
में कोई भी नहीं रहता है, तो वो अकेले ही बूढ़ी औरत अपनी जेठी माँ को अपने आंगन में ही जला देती है। अब गौरा इस गांव में अकेले रहती है। रात को बाघ को भगाने के लिए गौरा बर्तन बर्तन बजाती है। कल लगी आपने मूवी? बहुत ही अच्छी लगी ना? उड़े नहीं, वीडियो बन रही है, वीडियो ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग। बच्चा उसे कुछ पता नहीं, वो अपनी माँ को सुख सुविधा देना चाहता है, उसकी माँ का कष्ट देखा है, बचपन से देखा है, किस प्रकार उसका खेतों में। मूवी हो चुकी है खत्म, तो आप लोग बताओ कैसी लगी? मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि उस पर दिख नहीं रहा था और कॉपीराइट फिल्म भी आता है, दिखाया नहीं। चलो लोगों को पूछते हैं उनको मूवी कैसी लगी। आप लोगों भी देखी मूवी? मूवी देखी जी? कल लगी आपको मूवी? बढ़िया लगी। ठीक ही लगी? तो मूवी तो हमें बहुत अच्छी लगी गढ़वाली की। और गढ़वाली में कि आप देश आप मुल्क छोड़ के जो बाहर चल के आई, कैसे लगी आपको मूवी? कैसी लगी मूवी? तो बढ़िया थी भाई साहब, बहुत अच्छा पिक्चर। सच में इतनी है ना, केरला फिल्म तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। जो उसमें तो खैर लव जी आद गया है, बट इसमें पहाड़ियों के लिए पहाड़ी अच्छा है। पूरे 4 घंटे की है पहाड़ी। गढ़वाली तो रही दूर की बात, हिंदी बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। सही बात है। और जो आज की जनरेशन है ना भाई साहब, वो पहाड़ जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने पिक्चर देखने चलते, कह रहे नहीं गढ़वाली समझ में ही नहीं आती। देखो ना तुम, यही है ना मूवी है इसके। सच में मैं तो कह रहा हूँ, जिस बंदे ने ये पिक्चर बनाई ना, बहुत अप्रिशिएट। कल लगी आपने मूवी? ठीक लगी? अच्छी लगी ना? वापस जाते हैं गांव में। अच्छा हाँ, आप वापस जाओ। अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी। तो आप हमारे व्यूवर्स से कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छी लगी ना? हाँ, तो हाँ मूवी मतलब ये नहीं कि करोड़ चाहिए, अपने गांव में थोड़ा कम चाहे ना, अपने संस्कृति अपने भाषा बचाना चाहे ना, बैर कुछ ही नहीं चाहे। हाँ वही तो, गाँव छोड़ के आ गए। वही तो बोल दो, बस गड़ल बोल दो, बोल दो। मूवी कल लगी? बोलो बोलना, मूवी कल लगी? अच्छी लगी? अच्छी लगी? कति अच्छा लगी? बहुत अच्छा लगी ना? बोलो मुंह से बोलो ना। घर आप तो कल लगी था मूवी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी। हाँ तो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में देखो सारे आए भाई ले रहे हो, सबको बहुत अच्छी मूवी लगी है। तो गाइस आप देखो, ये दिल्ली वाली बस है और इस दिल्ली वाली बस में सारे ये लोग गढ़वाली मूवी देखने के लिए आए थे, और पूरी बस लेडीज बस है और ये सारे लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली 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 4 घंटे की, और 4 घंटे की 4 घंटे की मूवी थी, और उस तरह की बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा। और हमारे जितने भी पहाड़ी भाई बन गए थे और सारे मतलब कह रहे कि बहुत ही मजा आया था, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था, लेकिन 4 घंटे का बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा। और अभी फिलहाल हम चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। दोस्तों मूवी बहुत ही अच्छी थी, तो 10 बजे से था और 10 बजे से 2 बजे तक का पूरा 4 घंटे की मूवी थी। तो दोस्तों चलो पूछते हैं अपने स्टाफ वालों की, उनको मूवी कैसी लगी और उनको मूवी की से क्या सीख मिला कि हमें
क्या करना चाहिए। चलो पूछते हैं कैसा लगे। तो हमारे साथ अभी फिलहाल हैं हमारे बड़े भाई साहब जी थापा जी, जो कि नेपाल से हैं। तो भैया आपको मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो आपको क्या सीख मिली उस मूवी में, क्या क्या ऐसा दर्शाया गया था उसमें जो आपको सही लगा? हमें ऐसा महसूस हुआ गांव वहाँ के पूरे खाली के खाली है, एक तो पलायन के ऊपर है, दूसरा बेचारे एक बुजुर्ग महिला जिस गांव में एक मर्द नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। मर्द क्या वहाँ पे लेडीज भी नहीं थे? लेडीज भी कोई भी नहीं था, बेचारे अकेली ने जो एक लेडीज का सीन दिया गया उसमें मरने का, उसने अकेले ही कैसे उस लेडीज का दाह संस्कार उसके घर के आंगन में किया कर दिया था, यही देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें पलायन नहीं करना चाहिए, और पलायन में देखा होगा आपने कि कैसे बुजुर्ग महिला ने अकेला घर के आगे उसको वो जलाया गया था। चलो फिलहाल पूछते हैं तो तुझे कैसा लगा मूवी? मुझे तो बहुत बढ़िया लगी मूवी, मतलब गोमटी लोड़ा नौकरी पूर्ण मुंबई जाना वो क्या हालत बनी होटलों में खुद पता लगना हम देवी भाड़ा बंदा बजाना और चबुल बेटी ये खाया खुद देख हम दुनिया पंच क्या चीज वो दर्द बयां करूं चीज तभी एक गांव को जो पलायन से वो बहुत बुरो चीज आज की दुनिया में। बस एक बात चाहिए कि बहुत बढ़िया है रोजगार, कुल मिला के मतलब रोजगार की कमी थी ना, रोजगार ना होने की वजह से लड़के मजबूरी में बाहर जाते हैं इसलिए। और सर आपको कैसा लगा, आपने मूवी देखी? तो सर गए नहीं थे तो सर ने मूवी नहीं देखी। तो दोस्तों कुल मिला के पलायन में ही बनाया गया था वो मूवी, तो हमें पलायन नहीं करना चाहिए। हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ होता है यार, बाहर कुछ नहीं रखा हुआ है। आपने देखा होगा उसमें दर्शाया गया था कि जो लड़के बाहर जाते हैं मुंबई जाते हैं होटलों में नौकरी करें वहाँ पर दर दर के ठोकरें खाते हैं, कितना कमा लेते हैं 10,000-12,000 फिर भी लोगों के ताने सुनते हैं। तो उस मूवी में ये सारा दिखाया गया था। इस अच्छा हमारा पहाड़ी होता है, पहाड़ में पलायन मत करो, पहाड़ों को बसाओ, पहाड़ों में बहुत कुछ होता है यार। तो उसमें सबसे ज़्यादा ये दर्शाया गया था कि उस पलायन की वजह से जब गांव में कोई भी नहीं बचा था तो वहाँ पर सिर्फ दो महिलाएं बचती है, एक गौरा देवी एक दूसरी उसकी जेठी माँ, तो वो दो बचते हैं। तो जब उसकी जेठी माँ की डेथ हो जाती है तो गांव में कोई नहीं रहता, सिर्फ अकेली गौरा ही रहती है जो कि 80-85 साल की थी। तो वो पता क्या करते हैं, तो अकेला उसको कहाँ मतलब उसका वो करते हैं, तो उन्होंने उसको जब उसकी डेथ हुई थी वो मर गई थी तो उन्होंने उसको उसके घर के आगे ही जला दिया था। तो कुल मिला के है तो वो सीन तो बहुत ही बुरा था, बहुत ही मतलब वो सोच के तैसा लगा। कुल मिला के मूवी बहुत अच्छी बनी थी, जिसने भी ये मूवी बनाई थी सच में हमारे व्यूअर्स को हमारे कार्यकर्ताओं को जो भी है पब्लिक को बहुत अच्छा संदेश गया होगा इस मूवी से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल में जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग पर, तब तक के लिए ख्याल रखिए।